हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग यानी कैसे का है मंडली। सो गाइज, ये है मेरा न्यू हेलमेट जो कि मैंने कुछ 3 या 4 दिन पहले ख़रीदा था। उसके बाद उसको सैनिटाइज करके अभी फाइनली पहना है। तो ये है LS2 MX436। ये हेलमेट लेने का मेरा मेन रीज़न है कि यार मुझे जो है एक एडवेंचर टूरिंग हेलमेट चाहिए था। नॉर्मल हेलमेट जो है, जो स्ट्रीट हेलमेट रहते हैं अपने, वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए। ये टाइप का जो हेलमेट है ये मुझे लेना था। बाय द वे गाइस, दिस इज़ नॉट अ मोटोक्रॉस वो गॉगल वाला रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा और आगे तक आता है बीक, बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ, दिस इज़ व्हाट कॉल इज एडवेंचर टूरिंग। जो भी अगर आप इंटरनेशनल राइडर्स किसी को देखते रहेंगे तो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, उन सब के पास काइंड ऑफ दिस एडवेंचर टूरिंग हेलमेट रहता है। इसी वजह से मुझे ये हेलमेट लेने की बहुत ज़्यादा, यू कैन से, चुल थी कि भाई ये हेलमेट मुझे एक बार तो लाइफ में ट्राई करना है। एंड बाय गॉड ग्रेस अभी फ़िलहाल मैं एक हेलमेट जो है एडवेंचर टूरिंग वो ओन करता हूँ, दैट इज़ द LS2 MX436। पायोनियर भी एक नाम है इसका, तो कंप्लीट नाम मैं आपको दे दूंगा। नाउ कुछ फीचर्स इस हेलमेट के बारे में। तो जो फर्स्ट थिंग है कि इसका जो एक वाइड एंगल लुक है, दैट इज़ दी बेस्ट। आप देख सकते हो कि लाइक 170 to 180 डिग्रीज ऑफ एंगल, जिससे आप कंप्लीट जो व्यू है उसको देख सकते हो। और अगर उसी के साथ अगर आपने ये जो है इसको एक बार ओपन कर लिया, सो दैट मीन्स कि आपने कुछ पहना है ऐसा आपको फील ही नहीं होता। द सेकेंड थिंग इज दिस बीक। ये जो बीक है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप गाड़ी धूप में चलाते हो, सन बराबर आपके आँखों के सामने रहता है, तो वो टाइम पर आपको ये बीक की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, लाइक यू नो, आँख में आपकी वो जो सूरज है वो नहीं जाता, और उसकी वजह से जो आपकी राइड है वो कम्फर्टेबल हो जाती है। और ऊपर से जो सेकेंड चीज़ है, इसकी वजह से जो है आपके पूरा ये जो हेलमेट का दिस जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये हेलमेट के पोर्शन के ऊपर हमेशा जो है एक शैडो रहती है, और उसके वजह से जो आपका हेलमेट है वो ठंडा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। मोर ओवर जब भी आप ये कलर देखोगे, तो ये भी मैंने एक वाइट काइंड ऑफ अ कलर लिया है, जिसके ऊपर से जो मैक्सिमम जो सन रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर दूर जाएगी, एंड बहुत ही लाइक ग्लॉसी काइंड ऑफ अ कलर है ये ऑरेंज वाला, जो कि बहुत फटाक से आँख में आ जाता है। सो विजिबिलिटी भी बहुत सही है। सो फर्स्ट थिंग, ये सब चीज़ों का मिला के अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हेलमेट है वो बहुत ज़्यादा कूल है। इसमें फ्रंट में ऑलमोस्ट 7 इंटेक है और रियर में 5 इंटेक है। वो सबके सब इंटेक्स मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एक जो है ये सबसे बड़ा वाला, उसके बाद ये जो है ये 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, एंड अगेन वाइजर के अंदर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। सो ये हो गए टोटल 7। एंड रियर में अगर आप देखोगे तो रियर में ये टोटल एक 5 वेंट्स। तो इसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो इतना ज़्यादा सही हो गया है ना बॉस, मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी लगभग ये वीडियो मेरा 3rd वीडियो रहेगा अपने चैनल के ऊपर, और पूरा टाइम मैंने हेलमेट पहना हुआ है, लाइक इतना ज़्यादा लाइट वेट है। सो इसका जो वेट है दैट इज़ 1350 ग्राम। तो अप्रॉक्सीमेट 1350 ग्राम्स का ये हेलमेट है। इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा लाइट वेट हेलमेट है ना कि मैंने GoPro माउंट किया है, अगेन सेना 30 के माउंट किया है। ये सबके साथ भी बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार बहुत टाइम से मैंने हेलमेट पहन के रखा है और अभी मुझे इसको निकाल के बाहर फेंकना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हेलमेट है। तो इसके जो सर्टिफिकेशन है दैट इज़ ECE एंड वन मोर, तो ये है कि लाइक ISI मार्क नहीं है सिर्फ। अभी आपने जब लास्ट टाइम देखा रहेगा, मैंने हिमांशु भाई का रॉयल एनफील्ड का हेलमेट जो था उसको देखा था, एडवेंचर टूरिंग काइंड ऑफ हेलमेट, वो भी बहुत सही हेलमेट है, बट उसमें जस्ट एक ही चीज़ था कि यार ISI सर्टिफिकेशन था, ना कि ECE या फिर DOT या फिर और कोई अदर सर्टिफिकेशन। सो दैट्स वाई उस हेलमेट के लिए मैं थोड़ा सा लाइक डाइसी था, बट ये हेलमेट के लिए मैं बिल्कुल भी डाइसी नहीं था, क्योंकि मुझे जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो मिल रहे थे। नाउ इसके अंदर जो है सेना लगाने के लिए जो डेडिकेटेड आपके ये रहते हैं स्पीकर पॉकेट, वो बनाए हुए हैं, तो उसकी वजह से जब भी आप स्पीकर अंदर डालते हो तो आपको यू नो कानों को बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि हाँ भाई मैंने स्पीकर डाला है फिर भी दर्द नहीं हो रहा है, तो वो एक चीज़ है। सेकेंड जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ दी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, इसमें और एक चीज़ है, वेयर इज़ इट यस, यहाँ पर है, तो यप। सो दिस इज़ द इंटरनल सन वाइज़र, जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगा जब भी आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हो। नाउ व्हाट एल्स, इसका जो स्ट्रैप है, सो ये जो कंप्लीट स्ट्रैप है दिस इज़ द इजी टू रिमूव, वेट लेट मी शो यू, यप।
ओके सो दिस इज द स्ट्रैप जो कि बहुत सही से आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो, कम्प्लीटली मेटल से बना हुआ है, सो दैट जो सेफ्टी है वो भी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जो डबल डी रिंग है ना गाइस, दैट इज मोर सेफर देन दिस यू कैन से, बट वो डबल डी रिंग जब भी आप 20 दिन 40 दिन के राइड के ऊपर जाते हो तो यू नो एट द एंड वो थोड़ा सा पेन हो जाता है, और बहुत बार आप वो विदाउट डबल डी रिंग ही विदाउट वो डबल डी रिंग लगाई ही आप राइड करते हो। सो इससे अच्छा एटलीस्ट ये जो चीज़ है ये आप प्रॉपरली लगा रहे हो एवरी टाइम जब भी आप कोई रोड के ऊपर रुकते हो। नाउ अभी एक चीज़ बहुत सारे राइडर्स बोलेंगे कि यार बीक है आपका गाड़ी जो है वो एडवेंचर टूरिंग नहीं है, स्टिल आप जो यू नो बीक वाला हेलमेट यूज़ करते हो। तो गाइज मैंने एक्चुअली अपना बाइक जो है उसके ऊपर लगभग 50,000 खर्चा किया है, एंड नाउ दिस इज़ द एडवेंचर टूरर वर्जन ऑफ डोमिनार 400, एंड उसकी वजह से ये जो हेलमेट है दिस थिंग एक्चुअली सूट्स। अभी इसका जो है विंड के ऊपर जो है मैंने ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर तक गाड़ी भगा के देख लिया है। अगर आप सीधे देखते हो तो आपको कोई इशू नहीं है, ये जो बीक है इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हो इतने सारे एयर वेंट्स है जिसके बीच में से जो हवा है वो निकल के जाती है, एंड उसकी वजह से आपको लाइक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्ट्रेट देख रहे हो। यस अगर आपने ऐसा किए 140 के ऊपर तो ये जो ये खींच के आपको पीछे ले के जाता है, तो यू नो ऐसा आपका हेड होता है, तो वो जो चीज़ है वो भी मुझे आपको बता देना चाहिए। तो आप सीधा बैठ के रहो बहुत सही है, इसका जो वाइड एंगल है वो बहुत सही है, और स्पेशली आपके मुंह के यहाँ पे जो जगह मिलती है जो ये बीक की वजह से आपके जो माइक है वो और आपका मुँह उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है, सो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई बंदा जो भी एक बार अगर ये एडवेंचर टूरिंग काइंड ऑफ जो हेलमेट्स आते हैं इसके अंदर अगर अपना मुंह डाल दे तो लाइक यार वो हमेशा के लिए यही हेलमेट खरीदेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार क्या मैं वो छोटे छोटे हेलमेट यूज़ करता था, नो डाउट अच्छे सर्टिफिकेशंस थी, एजेसी मैंने यूज़ किया, एक्सर यूज़ किया, सोल यूज़ किया, एंड फाइनली मेरे पास एमटी था, तो वो सब हेलमेट से दिस इज दी बेस्ट हेलमेट। नाउ ये हेलमेट मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ आपको LS2 ये हेलमेट के बारे में ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि यार गाइस जो भी आपके अगर बजट में है वो एडवेंचर टूर, अभी इसके ऊपर मुझे लगता है कि बेल का है MX9 करके, वो बहुत सही हेलमेट है। उसके बाद एक हेल्ड का है जो कि करंटली हमारे कारपेंटर विजू उसने ख़रीदा है, एंड जो टॉप ऑफ द लाइन रहता है वो अराय का है, आई डोंट नो द नेम बट अराय का राहुल जो फिलहाल यूज़ करता है। सो अभी ऑलमोस्ट हमारे टीम में सबके सब जो लोग हैं वो इस हेलमेट के ऊपर काइंड ऑफ एडवेंचर टूरिंग हेलमेट के ऊपर जा रहे हैं। एंड अबाउट दिस स्पेसिफिक हेलमेट, ये हेलमेट जो है इसका जो प्राइसिंग है दैट इज 8,750 रुपीज़, महा ऑटो वीर पनवेल से आपको ये मिल जाएगा। यस सो ये हेलमेट अभी फिलहाल अगर आपको अवेलेबल करना है तो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है और अभी फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट बहुत ही जल्दी स्टॉक में आ जाएगा और फिर आप ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट हेलमेट आई एवर यूज़, बट अभी तक राउंड डाइट पर नहीं गया हूँ, बट स्टिल आई कैन से कि यार दिस इज़ दी बेस्ट हेलमेट आई एवर यूज़। बस ओके 50 50 50 50 50 60s 70s ओके 80s Now in 90s, let's see. तो देखना कि ये कितना खींच सकता है गाड़ी। Oh, wow, very stable. At the speed of 120 as well, there is no wind buffeting. Wow, awesome, awesome man, awesome. बस बहुत ज़्यादा wind noise है, जो कि expected था मुझे ये helmet में, क्योंकि obviously यार दिस इज़ अ ड्यूअल स्पोर्ट हेलमेट, बट जो मेरा व्यू ऑफ एंगल है ना दैट इज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग वाव। तो कुछ इस तरह से मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि भाई ये हेलमेट में मैं कैसे लगता हूँ, क्योंकि गाड़ी का जो पीछे का सिल्वर चीज़ है उसमें मुझे मेरा हेलमेट दिखाई दे रहा है, और उधर वही से मज़े ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है अपन जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो हम खुद नहीं देख सकते, जैकेट पैंट हमारी गाड़ी कैसी दिखती है दूर से कुछ भी नहीं देख सकते हम लोग। वाव यार सीरियसली आई एम इन लव विद दिस न्यू हेलमेट।